मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर हैं। यहां सीएम ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने सोनभद्र को 414 करोड़ की सौगात दी है। रॉबर्ट्सगंज की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एमबीबीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव उसके कमरे में पंखे के फंदे के सहारे लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस को छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां की एक हाई साइज सोसाइटी की 8वीं मंजिल से गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि हादसे के वक्त बच्चे के माता पिता सो रहे थे और बच्चा बालकनी में आ गया और तभी यह हादसा हो गया। यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बातचीत करते हुए कहा कि लंबे समय से सुविधाओं का दंश झेल रही पुरानी जेलों की तस्वीर को बदलने के लिए सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। अब ओपन जेल सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे, जिससे जेल का सुधार हो सके व इस दौरान आदतन अपराधियों और आतंकवादियों के लिए हाई सिक्योरिटी। भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष ओपी राजभर की सीएम योगी से मुलाकात सुर्खियों में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा अध्यक्ष भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इन्हीं कयासों के बीच यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में रहे हैं। वो हमारे नज़दीकी मित्रों में से एक हैं और अगर उनका पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो अच्छा रहेगा। राजधानी लखनऊ में शाही शादी हो सके, योगी सरकार ने इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने शादी के लिए अंबेडकर पार्क और काशीराम स्मारक स्थल के पार्कों को किराए पर देने का निर्णय लिया है। स्मारक समिति के पार्कों में खाली जगह शादी और संस्कृति आयोजन के लिए किराए पर दी जाएगी। स्मारक समिति के प्रबंध समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी मंजूरी मिलने पर किराया की दर तय कर फिल्मों की शूटिंग की बुकिंग शुरू। के बाद अब काशी और प्रयागराज में भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि इसमें भी कई पेच हैं। प्रदेश के पीलीभीत में माधो डांडा मार्ग पर शुक्रवार को एक बार फिर हादसा हो गया। सिद्ध बाबा के करीब अज्ञात वाहन की टक्कर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े थे, लेकिन राहगीर मदद की बजाय तमाशाबीन बने रहे। इसी बीच वहां से गुजर रही कलीनगर से एसडीएम ने सड़क पर पड़े घायलों को देख गाड़ी रुकवाई। उन्होंने आनंद फानंद में घायलों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल भिजवाया। इसके बाद वह एक राहगीर के बाइक पर बैठ कर गई। जिला अस्पताल में दंपत्ति और मासूम को भर्ती कराया गया। तीनों की हालत गंभीर बताई गई है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।